दोस्तों, आचार्य चाणक्य की नीतियाँ संसार की सर्वश्रेष्ठ नीतियों में से एक मान जाती हैं। आचार्य चाणक्य एक श्रेष्ठ अर्थशास्त्री होने के साथ साथ एक मान राजनीतिज्ञ एवं कूटनीतिज्ञ थे। उनके द्वारा बताई गई चाणक्य नीति को सीखने से आप जीवन की किसी समस्या को आसानी से सुलझा सकते हैं। साथ ही साथ चाणक्य नीति का ज्ञान आपके लक्ष्य को पूरा करने में भी सहायक सिद्ध हो सकता है। यदि आप किसी स्त्री के प्यार में पल पल तड़प रहे हैं, आप उसको याद कर रहे हैं लेकिन वो स्त्री आपसे बात नहीं करती है, आपसे प्यार नहीं करती है, लेकिन आप चाहते हैं कि वो स्त्री भी आपसे प्यार करे, आपके प्यार में बेचैन हो जाए, आपके बिना नहीं रह पाए, तो सिर पर दो लौंग लेकर उस स्त्री का नाम लेकर के एक जगह पर जला दें। अगले दिन से वो स्त्री आपके पीछे पीछे घूमना शुरू कर देगी। तो दोस्तों, आइए जानते उपाय के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले आपको दो लौंग लेना है। इसके बाद दोस्तों, एक लौंग पर उस औरत लड़की का नाम लेकर के जिसको आप अपने बस में करना चाहते हैं, जिससे आप अपने प्यार में दीवानी बनाना चाहते हैं, उसका नाम लेकर के फूंक मारेंगे। दोस्तों, दूसरा जो लौंग है उस पर अपना सात बार नाम लेकर के फूंक मारेंगे। उसके बाद दोस्तों, अपने सर से एक बाल काटकर अपने सर से एक बाल निकाल करके लौंग से लपेट दें। लपेटने के बाद दोस्तों, इन लौंग को अपने घर के बीच आंगन में लौंग को जला देना है। जलाने के बाद दोस्तों, जो राख बनेगा उसको लाल कपड़े में लपेट करके 7 दिन तक अपने तकिए के नीचे रखें। 7 दिन बाद दोस्तों, इस कपड़े को उस औरत के घर के पास या छत पर फेंक दें जिसको आप अपने बस में करना चाहते हैं, जिससे आप अपने प्यार में दीवानी बनाना चाहते हैं। दोस्तों, बस आपको इतना ही करना है, इतना करते ही होगा प्रचंड बस ठंड, वो औरत या लड़की आपके प्यार में दीवानी हो जाएगी, आपको पाने के लिए बेचैन हो जाएगी, आपके प्यार में दीवानी हो जाएगी। तो दोस्तों, इस उपाय को सही नियत एवं सच्ची श्रद्धा से एक बार अवश्य करें, जिससे आप अपने प्यार को, अपनी मोहब्बत को अवश्य पा सकें। तो दोस्तों, इस उपाय को एक बार अवश्य करिएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आप भगवान श्री कृष्णा जी के सच्चे भक्त हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।